तो ये देखो, हाँ, मेरे को आईफोन यूज करने नहीं दे रही थी जब तक हम लोग यहाँ पर फाइव बिलो में नहीं आए और हम लोग ने यहाँ से आके कवर नहीं लिया। लास्ट टाइम मेरा फोन लेके गए मोहसिन और ये और तोड़ दिया। बराबर, वेरी गुड। तो यहाँ से हम लोगों ने आईफोन 13 प्रो मैक्स का हम लोग ने यहाँ से कवर ले लिया है और स्क्रैच गार्ड भी ले लिया। हम लोग फाइव बिलो में आए थे। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ आईफोन 13 प्रो मैक्स से कर रहा हूँ, ऑडियो भी आईफोन 13 प्रो मैक्स के अंदर से ही आ रहा है। आप लोगों को कैसी लग रही है वीडियो? आप लोगों को नहीं डाला, गिराना नहीं, लास्ट टाइम मोहसिन और तुमने गिराया था वैसा। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा लिया। मैंने नहीं गिराया था, इसका फोन गिराया था मोहसिन ने और मोहसिन ने बताया नहीं। हम लोग कुछ शूट करने गए थे, इसका फोन लेके गए थे और बट मोहसिन ने नहीं बताया तो बट मेरे पे आ गया कि मैंने गिराया। गाड़ी वहां पर पाके कहाँ जा रही है? तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लग रही है ये वाली फुटेज जो कि आईफोन 13 प्रो मैक्स से शूट कर रहा हूं। और अगर आपने मेरा लास्ट वाला व्लॉग मिस कर दिया है तो आप लोगों को मैं बता दूं कि रेशमा अब 3-4 दिन यहाँ पर रहेगी न्यू जर्सी में और बाकी के दिन है वो मेरीलैंड में रहेगी। मतलब ट्रैवल अप डाउन करती है वो बहुत ज्यादा, पहले भी करती थी बट अब आपको पता लग गया। आज तो एकदम प्रॉपर पार्किंग मिल गई, एकदम संभाल गाड़ी। हेवी ड्राइवर है तू, बहुत हेवी ड्राइवर है। नहीं गिराऊंगा तेरा फोन यार, क्या तू भी। देखो भाई, इतनी जोर से उसको भूख लगी है ना रेशमा को कि रुकने को रेडी नहीं है, बोल रही है बाकी का काम तेरा बाद में करेंगे, पहले मुझे खाना खाना है। पहले आए हैं यहाँ पर फूड कोर्ट में, फूड कोर्ट में जाते हैं, खाना खाते हैं। आपको पता ही है, थंबनेल देख के आप लोगों को पता लग गया रहेगा कि मैं एप्पल स्टोर जा रहा हूँ अपना फोन रिटर्न करने के लिए। क्यों रिटर्न कर रहा हूँ वो बताता हूँ आप लोगों को, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता रहेगा। आज मैं अपना सोनी कैमरा नहीं लेकर आया हूँ तो एकदम लाइट फील कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं व्लॉग कर ही नहीं रहा हूँ। फोन पे कितने लोग व्लॉग करते हैं और आज उनमें से मैं भी एक ही हूँ, तो यू नो इट फील्स रियली लाइट और ऐसा लगता ही नहीं कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ। चलो पहुँच गए भाई फूड कोर्ट। ये भी अच्छा मिलता है, हमस ग्रिल भी थोड़ा हेल्दी है। चल देख, ये खाना अच्छा है, हेल्दी है, लेकिन यहाँ पर बहुत लाइन लगी हुई है और वहाँ पर जापनीज जो खाना है वहाँ पर लाइन नहीं है। तो हम लोगों ने फाइनली यहाँ से हमस ग्रिल से खाना ले लिया और रेशमा ने इसकी चितले कर दिया खाने को, इतनी भूख लगी है इसको पता नहीं कंट्रोल नहीं हो रहा है। ग्रिल चिकन सैलेड, राइस, पिता ब्रेड, हमस, चटनियाँ एंड थाई टी। क्या खाना? बढ़िया, रेशमा तूने पूरा ये पी लिया यार, प्लीज ला दे यार, मैं अभी खाना मेरा खत्म नहीं हुआ है, प्लीज ला दे, प्लीज तेरे को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो भी नहीं लाऊंगी, जा कैमरा चालू कर। फिर भी अरे आदमी, खाना से उठ के जाऊँ मैं अभी, तेरा तो खाना हो गया ना और तूने पूरा पी लिया ये। मैं पिया। लेके आ जाना यार, जा ले यार प्लीज। जा बे, बोल रही है जा बे। बेटा याद रखना तू, चलो भाई मस्त खाना खाया और अभी जाते हैं एप्पल स्टोर और जो फोन है उसको रिटर्न करते हैं। और मैं ये क्यों रिटर्न कर रहा हूँ फोन आपको बता दूँ, क्योंकि पहली बात तो ये है कि उसका जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा छोटा है, बैटरी भी थोड़ी छोटी है और जब भी मुझे वीडियोस शूट करना रहता है तो बड़ा स्क्रीन है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और जब फोटोज़ एडिट करनी रहती है तो उसमें मुझे ज़्यादा काम आएगा क्योंकि ज़्यादा डिटेल में मैं देख पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि छोटे स्क्रीन पर मैं नहीं कर पाऊँगा, छोटे स्क्रीन पर भी कर पाऊँगा, लेकिन आई प्रीफर अ बिग स्क्रीन बिकॉज आई कम फ्रॉम 11 प्रो मैक्स, आई प्रीफर बिग स्क्रीन, दैट इज़ द रीज़न मैं रिटर्न कर रहा हूँ अपना 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स मैं रख रहा हूँ अपने पास। मतलब मैंने ऑर्डर किया है तो वो आ जाएगा जल्दी से और मैं अपना फ़ोन ट्रेड भी कर रहा हूँ। बहुत लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे थे कि आप अपना पुराना वाला फ़ोन हम लोग को भेज दो, जितने पैसे एप्पल वाले दे रहे हैं उतना पैसा हम भी दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, मैं भी इंडिया शिप करूँगा, मेल करूँगा तो यार उसमें बहुत पैसा चला जाएगा। दैट इज़ द रीज़न
मैंने बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं दिया, आई एम सो सॉरी। तो ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स, नॉर्मल मोड है, सिनेमैटिक मोड नहीं है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, अगर मैं नॉर्मल मोड में शूट करता हूँ फ्रंट कैमरा में तो आपको कैसा लग रहा है। अभी मैं इसको फ्लिप करता हूँ और वाइड और नॉर्मल मोड में शूट करके आपको दिखाता हूँ। आईफोन 13 प्रो मैक्स, बैक कैमरा और नॉर्मल लेंस, ओके। आईफोन 13 प्रो मैक्स, बैक कैमरा, वाइड एंगल लेंस। प्लीज़ कमेंट करना। ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स, बैक कैमरा और ये सिनेमैटिक मोड पे है। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आप क्या प्रीफर करते हो, मेरा सोनी कैमरा से मैं ब्लॉग करता हूँ या इससे भी चल जाएगा आपको। आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करना। चलो भाई, आप स्टोर पहुँच गए। ये अभी अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है क्या? चलो देखते हैं। मास्क है, बात कर लेते हैं फटाफट। यार ये क्या आई वॉच है यार, क्या ब्रांड है यार, सुपर्ब लग रहे हैं आई वॉच यार। ये सीरीज 6 है, क्या लग रहा है यार, बहुत अच्छे हैं। अभी हम लोग को बोला है यहाँ पर वेट करने के लिए, तो ये वही लड़का है रैंडॉल्फ जिसने जब मैं अपना आईफोन लेने आया था, जब भी मैंने गलती करते थे, याद है वो वीडियो, आप लोग बहुत हंसे थे, बहुत लोग आईफोन 13 प्रो मैक्स को 11 प्रो मैक्स बोले जा रहा था, बहुत लोग हंसे थे। लड़के भी जो मेरे साथ थे जो अनबॉक्स करने में हेल्प की, वो लोग मुझे बोल रही है तो सुमड़ी में हंसा है पीछे से। रैंडॉल्फ है, रैंडॉल्फ को रिटर्न कर देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, वो लोग चेक करते हैं कि बॉक्स जैसा था, और बॉक्स में सारा सामान है ना, एक्सेसरीज, चार्जिंग का वायर वायर तो सब कुछ है मेरे पास, और मैंने फ़ोन तो यूज़ किया ही नहीं है क्योंकि मैं 11 प्रो मैक्स में वापस 11 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स ही यूज़ करने वाला। तो फाइनली मैंने आईफोन रिटर्न कर दिया, उसके जो पैसे एक या दो दिन में, वर्किंग डेज में मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, जिस अकाउंट से मैंने पे किया था। तो वी आर ऑल डन, क्या करना अभी? अभी सारा जाते पता है कि अपने इंडिया में ऐसा है क्या, रिटर्न कर सकते हैं क्या, रिटर्न पॉलिसी? क्योंकि मुझे पता नहीं। हाँ है? नहीं नहीं है, नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्या बात कर रही है यार, होना चाहिए रिटर्न पॉलिसी, सब जगह होना चाहिए इनफैक्ट, बट उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। देखो मैं ये लेके गया था मेरा फोन, मैंने यूज नहीं किया क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने, एक तो मैंने सुबह उठ के गलती से ऑर्डर कर दिया था फ़ोन, और फिर मैंने बोला चलो ठीक है अभी ऑर्डर कर दिया तो यूज़ करके देखता हूँ। बट जब मैंने 13 प्रो मैक्स और 13 प्रो को कंपेयर किया तो आई डिडंट लाइक द 13 प्रो। उसका साइज़ मुझे इतना अच्छा लगा, जब थोड़े से पैसे में अगर बड़ा स्क्रीन मिल रहा है, बड़ी बैटरी मिल रही है, तो वाई नॉट गो फॉर द बिगर स्क्रीन, बिगर बैटरी, दैट इज़ द रीज़न मैंने वो रिटर्न कर दिया। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, सक्सेसफुली रिटर्न हो गया। ये कवर हम लोगों ने लिया फाइव बिलो से, $5 का 13 प्रो मैक्स का, और सिमिलरली ऐसा ही कवर है एप्पल में बिक रहा था $50 का। मैंने नहीं देखा, रेशमा ने देखा। रेशमा क्वालिटी वाइज कैसा था? ऑलमोस्ट सेम ही है, ऐसी ऑलमोस्ट सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ उसमें एप्पल के जो एप्पल का जो कवर है उसमें लोगो रहेगा। अब लोगों से क्या लेना है, वैसे भी ट्रांसपेरेंट कवर डालने के बाद जो एप्पल में जो लोगो है वो दिखकर ही आता है, डजंट मैटर, कितना फर्क है, $5 and $50। तो ये मैंने ऑर्डर किया है मेरा 13 प्रो मैक्स 512 GB सिल्वर, और November 3 तक आना चाहिए। इसका टोटल कॉस्ट आया है मुझे $1491। तो तू है हैवी ड्राइवर, ऊपर से देखो आता है बहुत गुस्सा, थोड़ा सा कॉस्को वहाँ पर है और थोड़ा सा यहाँ पार्क कर दिया, तो इसको आ रहा शक्ति कपूर और ऊपर से शक्ति कपूर, इसको निकल जाता है, कभी हो जाती है गड़बड़ यार। उसके लिए ना वो साइड से स्टॉप साइन, ही शुड स्टॉप देयर, समझा? और मेरे लिए फर्स्ट नहीं है, आजा, स्टॉप साइन नहीं, आजा आजा बेटा, आजा आजा रे बेटा, देख ले, गिगी। मेरा ना सर ना जैसे ठंडी आती है ना तो एकदम ड्राई हो जाता है, और ऐसा लगता है कि बहुत सारा डैंड्रफ है, डैंड्रफ नहीं है, एकदम ड्राई स्कैल्प हो जाता है। तो इस बार मैंने सोचा है कि ऑर्गेनिक, यहाँ से ऑर्गेनिक सरसों का तेल लिया जाएगा, यहाँ से सरसों ही होता ना, कोकोनट ऑयल, ओह सॉरी कोकोनट ऑयल, आई एम सो सॉरी, कोकोनट ऑयल लिया जाएगा और रात को लगाया जाएगा 1-2 घंटे के लिए, और फिर बाद में बाल धोए जाएंगे। कहाँ जा रही है? आ गया टाइम पम्पकिन का, पूरे पम्पकिन भर दिए इन लोगों ने, इतने बड़े बड़े पम्पकिन है। कहाँ गई? हेलो कल है लगता, गलत टाइम पे आया, आज भीड़ होगी बहुत ज्यादा। इसके बाल बड़े अच्छे हैं यार, थैंक यू।
आज तो अच्छा ये हेल्प करके दे रही हैं। थैंक यू सो मच। पुलिस वाले आ गए भाई, कुछ तो गड़बड़ हो गई यहाँ पर। आज विशाल को बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरा मन है जाके स्नूकर खेलने का पूल टेबल, लेकिन वो है नहीं और अकेला कैसे जाऊँ। अरे दीदी 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 वो कर रही थी ना तू। तो जैसा मैं बोल रहा था, विशाल को मिस कर रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा हारता था मेरे से। हमेशा नहीं मतलब मैक्सिमम टाइम उसको हराया मैंने, लेकिन उसकी और मेरी गेम दोनों टक्कर की। तो अभी हम लोग जारा में आए और जारा में मुझे ये जैकेट अच्छी लगी है, महंगी है, बस इतना है कि महंगी है। जारा का ये प्रॉब्लम है कि सेल चलती है ना, फिर सस्ते में सामान मिलता है। अभी ये आ रही है $149 की, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा लूँ कि नहीं, क्योंकि ऐसी वाली जैकेट नहीं है मेरे पास और ठंड आने वाली है अभी थोड़े टाइम में, तो फिर मतलब ये जैकेट लेके जाऊँगा। ये मीडियम साइज़ है, क्या होती है रेशमा? नाइस। ले लूँ क्या? हाँ ले लूँ। देखो कैसे लग रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे ना, देख लो देख लो, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे तो ले लूँगा। ये ऑलमोस्ट 10,000 से 12,000 की जैकेट है, इंडियन मनी 10,000 होएगा ना, इंडियन मनी। अंदर का कैसा बता देता हूँ, ये देख इट्स थिक एंड नाइस। तो ऑलमोस्ट 11,000 की जैकेट ले ली मैंने, चलो ठीक है। वरना मैं सोचता रहता हूँ, अगर मैं नहीं लेता ना तो मैं सोचता रहता अगर ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि ना चार जैकेट थी वहाँ पर, चारों की चारों बिक गई फटाफटा, चारों की चारों चली गई। और जो साइज़ चाहिए था मैंने वो साइज़ ही ले लिया, थोड़ी सी टाइट है अंदर उसके, अगर मैं कुछ थिक पहनूंगा ना तो शायद मुझे और टाइट हो जाएगी, बट फिटिंग माइंड ब्लोइंग थी। और यहाँ पर अभी मैं कुंग फू टी में ये टी पी रहा था, बहुत अच्छी है, अच्छी लगी मुझे बहुत। रेशमा मुंह बना रही, नहीं अच्छी लगी, देखो पिकनिक में गंदी लगी, अच्छी लगी। हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। और मैं यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहा था, रेशमा पता नहीं कुछ शॉपिंग करके आई है। हाँ कुछ लिया कि नहीं लिया, कैसी मॉल में आई हो, मेरी शॉपिंग करा दी, इतने पैसे खर्च करा दिए मेरे, खाना भी मेरा लेके पी रही, ला बस हो गया तेरा। चलो रे, फुट रहा है ना मुंह के अंदर, पट 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 पट, बोबा बोबा जैसा है अंदर, फुट रहा अंदर। ये ना ये मैंगो मैंगो फुकट में देखो, जो मिलेगा सब पी लेगी ना फुकटिया। दोस्त मांगता था थूक देने का। फेक चल चल, 75% तुमने पिया। अरे फेक दे, अरे तुम फेक हो गए, ये यहाँ पर ही है, फेक दे इधर ही तो है। अरे फेक दे यार, क्या औरत है यार तू, कहाँ जा रही है अभी? ऊपर। मैंने दो जीन्स भी लिया था जारा से, बट एक तो वहाँ पर फिटिंग रूम्स नहीं है चालू, तो मैं जारा से निकला, दूसरे स्टोर में गया, वहाँ जाके दोनों जीन्स ट्राई किया, बट दोनों के दोनों मुझे प्रॉपर फिट नहीं आए, तो मैंने वापस से आगे रिटर्न कर दिया। अभी सोचो क्या होता है, मैंने अपने कार्ड से लिया, लेने के बाद वो पैसे कार्ड से कट गए, अभी वो प्रोसेस होते होते 2-3 दिन जाएगा जारा तक पहुँचते पहुँचते। उसके बाद अभी रिटर्न किया, वो रिटर्न को 4-5 दिन और जाएंगे। अगर यही उनका फिटिंग रूम चालू रहता था तो मैं वहीं पर ही टेस्ट कर लेता था पहन के, और फिर अगर नहीं पसंद है कुछ चीज़ तो तभी के तभी रिटर्न कर दो, खरीदो फिर ट्राई करो फिर रिटर्न करो, इतने झंझट से तो बच जाएंगे। पता नहीं क्यों अभी सब कुछ तो चालू हो गया बट इनका फिटिंग रूम चालू नहीं हुआ। मेरे को ना ये चश्मा बहुत पसंद आया, टॉर्चर जमाना का चश्मा है, बट प्रॉब्लम इसकी क्या है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम है कि बहुत महंगा है, $321 का चश्मा। चल मेरी माँ, चल मेरी माँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं 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 अच्छा नहीं है रेशमा। अरे चलना यार, मैं ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। गाइज थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आपने ब्लॉग यहाँ तक देखा है, रियली अप्रिशिएट यू ऑल। प्लीज़ कमेंट करते रहना ऐसे ही, और इंस्टाग्राम पे भी आ जाओ, वहाँ पर भी मैं क्रिएटिव इंस्टाग्राम स्टोरीज रील्स डालते रहता हूँ, और मेरे जितने भी अपडेट्स रहते हैं यूट्यूब के वो भी मैं इंस्टाग्राम पे देते रहता हूँ कि कब ब्लॉग आ रहा है, प्लीज़ वहाँ पर भी ज्वाइन कर लो। एंड दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अभी घर जाएंगे, घर जाके कुकु मैंगो को खाना खिलाना है, खाना वाना खिलाने के बाद फिर अभी मैं वीडियो एडिट करने बैठा। एंड दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग कीप मोटिवेटिंग, आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ। बाय बाय। Thank you.